करता है ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में, दोनों का एलसीएम आएगा 60। ए का जो है एक दिन का काम होगा, एक दिन का काम होगा वो 60/10। बी का जो है एक दिन का काम होगा वो होगा 60/12, इसका आएगा 10×60, इसका आएगा 12×60। दोनों का कुल काम एक दिन का काम कितना हो गया, 11। टोटल 3 दिन में टोटल काम, 3 दिन टोटल टोटल काम जो दोनों में हो गया 11×3=33। ओके, इसके बाद शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 60 - 33, शेष काम बचा 27। इस काम को ये छोड़ देता है, बी करता है। बी का एक दिन का काम कितना है, बी जो है एक दिन का काम इसका 6 5। तो बी इसको कितने दिन में करेगा, इस काम को बी करेगा 27/5 दिन में, 5 जिसका मान आएगा 5 सही 2/5। टोटल समय काम, टोटल टाइम टू वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीट आ जाएगा 33+5 सही 2/5 आएगा 38 सही 2/5। हो जाएगा 3 दिन और प्लस 5 सही 2/5, 8 सही